आप सभी का हम सबके YouTube चैनल लर्निंग विद सुमित में। तो जैसा मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसमें बात करेंगे न्यूट्रल सरफेस एंड न्यूट्रल एक्सिस की। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसको समझिएगा कि न्यूट्रल सरफेस क्या होता है और न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे हम न्यूट्रल सरफेस और न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नए वीडियोज़ आते हैं वीडियोज़ आपको मिलते रहे और उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, न्यूट्रल सरफेस एंड न्यूट्रल एक्सिस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर बेंडिंग ऑफ बीम। तो यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एक बीम लिया है, ए बी सी डी एक बीम लिया। अब हमें ये देखना है कि न्यूट्रल लेयर क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस बीम को बेंड करेंगे। यहाँ पे एक मोमेंट लगा दिया, इस तरफ भी एक मोमेंट लगा दिया। अंडर दिस मोमेंट, लेट सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट इज एम, ये बीम क्या होगी, बेंड होगी। ये बीम क्या होगी, बेंड हो जाएगी और यहाँ पे जो मोमेंट है ये आपका सैगिंग सैगिंग मोमेंट देगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। तो ये जब बीम बेंड होगी तो कुछ इस टाइप से बेंड होगी। कुछ इस टाइप से इसको बेंड कर दिया गया। तो जब हम इस बीम को बेंड करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कुछ लेयर्स हैं बीम की, मान लीजिए ये कोई लेयर, सेंटर पे एक लेयर ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये है, इसको कुछ नाम दे देते हैं एम एन। ये बीम की लेयर है एम एन, ये एम एन। अब होगा क्या, जब हम इस बीम को बेंड करेंगे तो जो हमारा ए बी लेयर है, जो ए बी लेयर है या कह सकते हैं बॉटम लेयर है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें टेंशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। जबकि ऊपर की तरफ आप देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो होगा क्या, जो ऊपर की लेयर होगी इस बीम की, आप जानते हो बीम बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, ये जो बीम है बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं जो इस एम एन के ऊपर भी है और नीचे भी हैं इस तरह से। तो अलग अलग लेयर, ऊपर की जो लेयर होंगी ये कंप्रेस होंगी, ये कंप्रेस होंगी और नीचे की लेयर में क्या होगा, टेंशन होगा, खिंचाव होगा। तो इससे क्या होगा कि नीचे की तरफ हमारी बीम की जो लेयर है इनकी लेंथ में इलांगेशन होगा, इनकी लेंथ में इलांगेशन होगा, इलांगेशन। और ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, यानी लेंथ आपकी रिड्यूस होगी। यानी जो लेयर्स हैं इस बीम की, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे अलग अलग इफेक्ट होगा। कुछ लेयर्स इसमें ऐसी हैं जो कि जिनकी लेंथ कम हो जाएगी और कुछ लेयर्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन इस बीम में एक लेयर ऐसी भी होगी, एक लेयर ऐसी भी होगी, मान लीजिए इस लेयर को हम दिखा देते हैं, ये ये जो लेयर है, आप जानते हो जैसे सबसे नीचे आपका जो टेंसाइल फोर्स होगा सबसे ज्यादा होगा, जो बॉटम मोस्ट लेयर है, जो बॉटम मोस्ट लेयर है यहां पे टेंशन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, जो बॉटम मोस्ट लेयर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एक एक लेयर जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। और मान लीजिए मैं यहां पर पहुंच गया, इसको मैं नाम दे रहा हूं एम डैश एन डैश। तो जब मैं इस लेयर पर पहुंचा तो ये जो टेंसाइल फोर्स था धीरे धीरे कम होते होते यहां पे कितना हो गया, जीरो हो गया। यहां पे टेंसाइल फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी टेंसाइल स्ट्रेस भी आपका जीरो हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहां से कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये जो रीजन है, ये जो रीजन है ये टेंसाइल रीजन है और ये जो रीजन है ये कंप्रेसिव रीजन है। तो इन दोनों रीजन के बीच में एक लेयर ऐसी आएगी, एक लेयर ऐसी आएगी जहां पे ना तो टेंशन होगा और ना ही कंप्रेशन होगा, क्योंकि टेंशन धीरे धीरे कम होते होते जीरो होगा, उसके बाद ही कंप्रेशन आपका स्टार्ट होगा। तो ऐसी लेयर जहां पे ना तो कंप्रेशन होता है ना ही इलांगेशन होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं, न्यूट्रल लेयर कहते हैं। तो हम लोग अब यहां पे न्यूट्रल लेयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रल लेयर, न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर की जो डेफिनेशन होगी हम लिख सकते हैं द लेयर विच इज
विच इज नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन या विच इज नाइदर कंप्रेस्ड नॉर इलोंगेटेड. द लेयर विच इज नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन इज नोन एज न्यूट्रल लेयर. NEU न्यूट्रल लेयर या फिर न्यूट्रल सरफेस या फिर न्यूट्रल फाइबर. इस तरह से न्यूट्रल लेयर को डिफाइन कर सकते हैं. ऐसी लेयर जहां पे ना तो टेंशन है यानी टेंसाइल फोर्स भी जीरो और कंप्रेसिव फोर्स भी जीरो. अगर इस डायग्राम की बात करें तो इसमें एम डैश एन डैश हमारा ये जो सरफेस है ये क्या है, न्यूट्रल सरफेस है. अब बात करते हैं न्यूट्रल एक्सिस की. ये तो हो गया न्यूट्रल लेयर. तो न्यूट्रल एक्सिस को कैसे समझेंगे, ऐसे समझिए. मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ, एक बीम बनाता हूँ और यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ये इसका क्रॉस सेक्शन होगा बीम का, ये. अब मान लीजिए ये जो लेयर थी आपकी ये न्यूट्रल लेयर है. यहां पे ना तो टेंशन है और ना ही कंप्रेशन. ये जो लेयर है ये लेयर जो है ना ही टेंशन में है और ना ही कंप्रेशन में, जिसको हम लोगों ने एम एन कहा था. ये ए बी सी डी ये बीम है आपकी. तो ये जो लेयर है ये लेयर आपकी ना तो टेंशन में है और ना ही कंप्रेशन में. मतलब ये क्या है, ये न्यूट्रल लेयर है, न्यूट्रल लेयर है. अब ये जो न्यूट्रल लेयर है ट्रांसवर्स सेक्शन में जहां पे कट होगी ये जो एक्सिस होगी इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस. अगर मैं इसको यहां लिखता हूं ई एफ, इसको बाहर निकालता हूं क्रॉस सेक्शन को, तो ये बीम का जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस टाइप से होगा, बी डी ई एफ. तो इसमें ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जो क्रॉस सेक्शन में है, ये यही लाइन आपकी क्या होगी, ये लाइन आपकी होगी न्यूट्रल एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस होगी, न्यूट्रल एक्सिस. यानी जो आपकी न्यूट्रल सरफेस है, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विद द ट्रांसवर्स सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है बीम का. तो इस क्रॉस सेक्शन में ये जो एक्सिस जो आपका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, आप ऐसे बीम को कितनी जितनी बार कट करोगे उतने क्रॉस सेक्शन इसमें जनरेट होंगे, उतने क्रॉस सेक्शन कट होके बाहर आएंगे. तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो, इसको डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस का, न्यूट्रल एक्सिस इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर. नीचे लिखता हूं आपको दिख रहा होगा न्यूट्रल लेयर, ये न्यूट्रल लेयर है. द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल लेयर विद ये कौन सा सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसको क्रॉस सेक्शन, विद ट्रांसवर्स सेक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रल लेयर, जनरली ये न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस को हम लोग एन ए से भी शॉर्ट फॉर्म में एन ए से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये न्यूट्रल एक्सिस है. यहां भी स्ट्रेस आपका जो होता है, आप कह सकते हो एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन आप बीम अलोंग विद देयर आर नो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर स्ट्रेंस. आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो. मैं एक और डेफिनेशन यहां पे लिख रहा हूं. आप इसको भी ऐसा भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, न्यूट्रल एक्सिस को. ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूट्रल सरफेस क्या होता है और न्यूट्रल एक्सिस.
तो समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसको जब आप डिफाइन करोगे तो दो दो लाइन की डेफिनेशन हो जाएगी। आप लिख सकते हो एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ये हमें जो न्यूट्रल एक्सिस मिल रही है ये कहाँ पे मिल रही है, क्रॉस सेक्शन में मिल रही है। तो आप कह सकते हो कि एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, एन एक्सिस इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम अलोंग विद देयर आर नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और स्ट्रेन्स। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं न्यूट्रल सरफेस एंड न्यूट्रल एक्सिस आपके समझ में आया होगा। थैंक यू।